वेट वेट ये तो मत ही लो आप लोग, ये तो मेरे शूट की समथिंग आई वांट टू थैंक यू। अभी तो मेरा मेकअप भी आधा है। बाइट करते हैं। जैसे कि नया साल आ रहा है, क्या कुछ प्लानिंग की हो नए साल के लिए? नए साल के लिए ही तो आज हम लोग सब लोग हैं यहाँ पर, तो मैं और अमित खन्ना, सबको पता है हम लोग का कोलैबोरेशन हमेशा सुपर हिट होता है एंड हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं नया करने के लिए, तो इस बार हमने सोचा धमाकेदार एंड होना चाहिए न्यू ईयर का, तो इसलिए कुछ बहुत ही अमेजिंग फोटोशूट प्लान कर रहे हैं एंड देन इट विल बी आउट इन द न्यू ईयर। क्रिसमस भी आ रहा है तो जी, इस बार किस तरह से आप क्रिसमस बनाने वाले? क्रिसमस हमेशा मुझे, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी मैनेजर है, वो मुझे हमेशा हर साल क्रिसमस ट्री ला के देती है, सो इट्स लाइक अ रिचुअल। तो आज मेरे शूट के बाद मैं जाऊंगी बांद्रा, क्रिसमस शॉपिंग करूंगी एंड देन घर में अच्छे से डेकोर करूंगी, और इस बार तो मतलब बहुत ही सारे रीजंस है सेलिब्रेट करने के लिए, तो फेस्टिवल्स तो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। कुछ मेमोरी शेयर करना चाहोगे बचपन की? हाँ हाँ बिल्कुल। क्रिसमस, आई थिंक क्रिसमस वाज दैट टाइम जहाँ हमें इतना भी वो कल्चर के बारे में पता नहीं था, पर हमेशा हम लोग बहुत प्रभावित थे कि हाँ यू नो सांता क्लॉज, यू नो ट्रीज डेकोरेट करो ये वो, तो पापा ने हमेशा वो एक घर में वो एक छोटा सा माहौल हम क्रिएट करते थे ज़रूर, एज यू नो एक फेस्टिवल जैसे सेलिब्रेट करते हैं वैसे, एंड पापा हमारे सीक्रेट सांता बनते थे, यूज़ टू गिव अस गिफ्ट्स, एंड काफ़ी टाइम तक तो हमने अपने छोटे भाई को बुद्धू भी बनाया कि सच में सांता आके गिफ्ट दे के गया, बट हम रखते थे वेरी स्वीट मेमोरीज। कहते हैं कि कोई विश मांगते हैं सांता से तो पूरी हो जाती है, जी तो आप इस बार क्या विश मांगने वाले? हाँ मैं सांता से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे आगे के जितने साल हैं एंड सब कुछ बहुत ही पीसफुली जाए, सब कुछ बहुत अच्छे से जाए, मेरे लिए यही है बस, शांति चाहिए मुझे ज़िंदगी में। बिग बॉस के ना फॉलो कर रहे हो आप? नहीं फॉलो कर रही हूँ मैं, और अब तो वो अब्दू निकल भी गया ना, तो अब तो क्या ही बचा, तो कोई फ्रेंड नहीं है मेरा बिग बॉस में, कोई भी नहीं है जिसको मैं जानती हूँ। हाँ ऑफकोर्स टीना दत्ता अमित के साथ बहुत शूट्स करती हैं, दैट्स हाउ आई नो ऑफ टीना दत्ता, बट आई डोंट नो एनीबडी। कुछ आइडिया है टीना और शालिनी का जो फेक लव चल रहा है? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। हाँ शिव ठाकरे आई नो, मुझे ये नहीं पता बिग बॉस में अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, बट शिव ठाकरे एज अ पर्सन आई नो हिम रोडीज़ में, और बिग बॉस में भी मैं मिल चुकी हूँ उनको, तो या आपको क्या लगता है कौन विनर कौन होगा? मैं को नहीं लगता इस साल का विनर, मतलब उन लोग बाहर आएंगे तो मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि शो आई डोंट थिंक सो इज़ डूइंग दैट वेल, पिछले साल तक इट वॉज अमेजिंग बट इस साल मुझे नहीं लगता बिग बॉस में दम। नया साल आ रहा है, क्या कुछ सरप्राइज देने वाले हो, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो जनवरी से स्टार्ट होंगे, विच आई कैन नॉट टेल यू अबाउट, बट दो गाने ऑलरेडी मैं शूट कर चुकी हूँ वो सबको पता है। जी इस बार तो अभय को IMDb ने टॉप 10 रेटिंग दी है, टॉप 10 वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड मोस्ट फेवरेट टॉप 10 वेब सीरीज़, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद दैट, आई थिंक दैट्स अ गुड अचीवमेंट। तो अभय के बाद जो प्रोजेक्ट होगा मैं चाहती हूँ कि वो उतना ही वेटेज हो कैरेक्टर को, उतना ही उसमें स्क्रिप्ट में ताकत हो, क्योंकि अगर कहानी अच्छी है तो वो आगे तक जाती ही जाती है, तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, बट 2023 लुक्स अमेजिंग। थैंक यू मैम। क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे जी आप सबको? पहले तो मीडिया वालों को हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस, एंड देन एवरीबडी गाइज थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, ऑलवेज बींग देयर फॉर मी, एंड वी आर गोइंग टू कम अप विद मेनी थिंग्स, बट देन बिफोर दैट जस्ट सिट टाइट, प्रे दैट द ईयर हैज एंडेड वेल फॉर एवरीबडी, एंड जस्ट विश लक फॉर द न्यू ईयर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। कुछ लोगे आप लोग?